नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 16 भाग 12 तक देखा था। भाग 12 में मैंने आपको रसांकुरों की संरचना के बारे में बताया था, वहां पर मैंने आपको रसांकुर के बारे में लिखवाना भूल गया था। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखकर समझकर अपने हिसाब से रसांकुर की संरचना के बारे में पूरा वर्णन कर देंगे। जो भी बताया हमने आपको वो पूरा लिखकर याद करना है। और आखिरी में आपसे कुछ क्वेश्चंस किए गए थे, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो भाग 12 में पूछे हुए क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि लैक्टियल कहाँ पर पाया जाता है, तो लैक्टियल रसांकुर के अंदर पाया जाता है, यानी विलाई के अंदर पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे किया था क्रिप्टस ऑफ लिवर कुन, यानी लिवर कुन की प्रगुहिका कहाँ पाई जाती है, तो यह आंत में पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन किया था आंतरी रस को और किस नाम से जानते हैं, तो आंतरी रस को सक्कस एंटेरिकस के नाम से भी जाना जाता है। चौथा आपसे क्वेश्चन किया गया था कि वसा अम्ल और ग्लिसराल का अवशोषण किसके माध्यम से होता है, तो वसा अम्ल और ग्लिसराल का अवशोषण लैक्टियल के माध्यम से होता है जो रसांकुर के अंदर पाई जाती है। तो आखिरी पांचवा क्वेश्चन आपसे किया गया था कि अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण किसके माध्यम से होता है, तो इनका अवशोषण रक्त वाहिनियों के माध्यम से होता है, रक्त केशिकाओं के माध्यम से, यानी धमनी और सिरा के माध्यम से होता है। आइए, इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपने देख लिया, अब हम भाग 13 के टॉपिक को देखते हैं। तो भाग 13 का टॉपिक है पाचन या पाचक ग्रंथियां। भाग 13 का टॉपिक है पाचक ग्रंथियां। याद रखेंगे आपको भाग 12 में हम भूल गए हैं लिखवाना रसांकुर की संरचना, तो जितनी भी बातें आपको भाग 12 में बताई हैं वो सभी आप रसांकुर की संरचना में लिखेंगे। ये टॉपिक है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। आगे का रसांकुर की संरचना के बाद आपका जो टॉपिक है वो है पाचक ग्रंथियां। कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं हमारे शरीर में जो पाचन में सहायक होती हैं, तो इसमें तीन ग्रंथियां पाई जाती हैं जो पाचन में सहायक होती हैं। पहला लार ग्रंथियां, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स। दूसरा यकृत यानी लीवर, और तीसरा अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज। ये तीन पाचक ग्रंथियां जो हमारे पाचन में सहायक होती हैं, याद रखेंगे मैंने आपको शुरू में बताया था जो पाचन क्रिया होती है वो किसके द्वारा संपूर्ण होती है, तो पाचन की क्रिया हमारी पूरी आहार नाल और सहायक ग्रंथियों में पूर्ण होती हैं। यहाँ पर ग्रंथियाँ लिखती हैं, ग्रंथियाँ होगा यहाँ पे पाचक ग्रंथियाँ, ठीक है। तो आहार नाल हमारा जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, किससे मिलकर बना होता है? आहार नाल और पाचन ग्रंथियों से। तो आहार नाल के बारे में आपको संपूर्ण संरचना के बारे में भाग 13 तक बता दिया गया जो भी था। अब हम भाग 13 में पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी पाचक ग्रंथियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं। देखिए पाचक ग्रंथियां, बस हमें ग्रंथियां तो बहुत पाई जाती हैं शरीर में, वो आपको बाद में आगे बताया जाएगा, लेकिन अभी जो ग्रंथि पढ़ना है वो हमें पाचक ग्रंथि पढ़ना है जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो पाचक ग्रंथियां क्या हैं? वे ग्रंथियां जो भोजन के पाचन में सहायक होती हैं। कितनी होती हैं? तीन, लार ग्रंथि, यकृत और अग्न्याशय। तीन ग्रंथियां हमारे शरीर में पाचन का कार्य करती हैं, पाचन में सहायता करती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लार ग्रंथि में। अगर आप इसमें थोड़ा सा एक याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीन ग्रंथियां होती हैं पाचक ग्रंथियां, कौन कौन सी? लार ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा होता है यकृत। यकृत सबसे बड़ा, हमारे पूरे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत। सिर्फ पाचक ग्रंथि में नहीं देखेंगे, पूरे शरीर में जितने भी ग्रंथि पाई जाती हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रंथि होता है यकृत। इसका अगर वजन देखेंगे तो 1.2 to 1.5 kg होता है, लगभग 1.25 से 1.5 किलो तक वजन होता है यकृत का, लीवर का। तो अभी हमें इनको नहीं पढ़ना है, इनको नहीं पढ़ना, पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे लार ग्रंथियों के बारे में। आइए देखते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। लार ग्रंथियां हमारी मुख गुहा में पाई जाती हैं, मुख गुहा के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं, अभी हम बताते हैं। लार ग्रंथियों से किसका स्राव होता है? लार का श्रावण होता है। लार ग्रंथियों से लार का श्रावण होता है, लार जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सलाइवा। इंग्लिश में कहते हैं सलाइवा, लार जो मुंह में पानी जैसा निकलता रहता है ना, आप जलेबी देख लेते हो तब भी निकल आता है, तो वही है लार, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सलाइवा। तो लार ग्रंथि किसका श्रावण करती हैं? लार का। श्रावण का मतलब होता है निकलना, निकालती हैं। किसको निकालती हैं? लार को, सलाइवा को। लार ग्रंथि तीन जोड़ी पाई जाती हैं, तीन जोड़ी,
ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहला कर्णपूर्व यानी कान के पीछे, कर्णपूर्व ग्रंथि, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में पैरोटिड ग्लैंड। अभी पहले याद करेंगे, फिगर को अभी मत देखिए, जानते हैं बहुत अच्छा बनाए हुए हैं, लेकिन अभी आपको इधर नहीं देखना है, अभी इधर याद करना है। लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? तीन जोड़ी होती हैं, एक जोड़ी कर्णपूर्व, दूसरा अधोजंभ जिसे हम सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं, तीसरा अधोजिह्वा यानी सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तीन जोड़ी पाई जाती हैं, एक जोड़ी कर्णपूर्व, दूसरा जोड़ी अधोजंभ, तीसरा जोड़ी अधोजिह्वा। तुरंत याद करिए, लार ग्रंथि किसका स्राव करती हैं? लार का। लार जो मुंह में भोजन के साथ मिक्स होता रहता है, भोजन के पाचन में भी सहायक होता है, और कुछ इसमें ऐसे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो बैक्टीरियल को नष्ट भी करते हैं, अभी आगे उसको बारे में बताए जाएंगे। अभी पहले आपको सिर्फ लार ग्रंथियों के बारे में समझना है। लार ग्रंथियाँ तीन जोड़ी, नाम याद करिए कौन कौन से, कर्णपूर्व ग्रंथि यानी पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा अधोजंभ यानी सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, तीसरा अधोजिह्वा यानी सब लिंगुअल ग्लैंड। तीन जोड़ी पाई जाती हैं, ठीक। अब हम लोकेशन देखते हैं, आइए आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये आपका पहला ग्रंथि है, जो सबसे बड़ा लार ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? वो है कर्णपूर्व, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? कर्णपूर्व ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड, जो कहाँ पाई जाती है? देख रहे कान के जस्ट पीछे, इसको कर्णपूर्व कहते हैं, कर्ण के पीछे। अगर आप हम इस मसल्स को देखेंगे, इसको क्या कहते हैं? पिन्ना मसल्स, इसको हिंदी में कर्ण पल्लव की पेशियां कहते हैं, कर्ण पल्लव की पेशियां यानी पिन्ना मसल्स। इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे, इस जगह पर आप छू के इसको महसूस कर सकते हैं, हल्का सा चुनचुनाहट सा होता है यहाँ पर छूने पर, तो यहीं पर होता है ये वाला ग्रंथि। कौन सा? कर्णपूर्व या पैरोटिड ग्रंथि, जिसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर बनाकर दिखाए हैं। ये हो गया कर्णपूर्व ग्रंथि। दूसरा अधोजंभ, अधोजंभ कहाँ होता है? यहाँ पर जीभ के नीचे, जीभ के नीचे लेकिन पीछे साइड में, आप देखेंगे तो पीछे साइड में होता है, ये रहा। और जीभ के जस्ट नीचे आगे साइड में होता है तीसरा वाला ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं अधोजिह्वा, ठीक है। अब देखिए, हम बार बार कहते हैं भैया यहाँ पर जो फिजियोलॉजी चल रहा है उसमें आप हिंदी को एकदम हटा दीजिए, इंग्लिश ही सारी चीज़ें याद करेंगे। अब ये कन्फ्यूजन मत लाइए कि अगर आप एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप इंग्लिश का यूज़ करते हैं तो नंबर कटेगा, गलत है, नंबर और अच्छे मिलेंगे। क्योंकि हर कोई टीचर्स जानता है, जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे लेक्चरर्स हैं, वो जानते हैं फ्यूचर आपका इंग्लिश में ही है, तो वो आपको देखना चाहते हैं कि आपको कितना हिंदी कितना इंग्लिश आता है। जितना इंग्लिश याद करेंगे उतने ही आप इम्प्रूव होंगे, उतने ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हिंदी याद करिए, ऐसा नहीं है कि नहीं याद करिए, अगर नहीं याद होता है कोई चीज़ें हिंदी में छोड़ दीजिए, उसका इंग्लिश याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबके मार्क्स आपको इक्वल मिलेंगे, इंग्लिश में और अच्छे मिलते हैं। तो ये था आपका तीसरा ग्रंथि, सबलिंगुअल यानी अधोजिह्वा ग्रंथि। लार में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो लार में एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पी साइलेंट है। तो टाइलिन जो एंजाइम होता है इसे हम सेलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं, सेलेवरी एमाइलेज, ठीक है। ये क्या कार्य करता है? ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। ये सब आगे बताया जाएगा, लेकिन अगर अभी याद करना चाहें तो कर सकते हैं। लार में उपस्थित टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। स्टार्च मतलब जब हम रोटी खाते हैं ना, तो रोटी में स्टार्च होता है। तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि सूखी रोटी जब हम खाते हैं काफ़ी टाइम बाद, जब बहुत भूख लगी होती है, तो हमको सूखी रोटी अगर मिल जाती है तब भी उसको खाने पर हमें मीठा मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि रोटी में क्या होता है? गेहूं से बना है, गेहूं में क्या है? स्टार्च है। स्टार्च का डाइजेशन हमारे मुंह में तुरंत होने लगता है,
ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पाचन प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हो जाती है। लोग सोचते हैं यहाँ पर पेट में, नहीं, पाचन क्रिया मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि मुख गुहा में लार उपस्थित होता है और लार में होता है टाइलिन। टाइलिन क्या कर देता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। यही तो पाचन क्रिया है, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ना ही तो कहलाता है पाचन। तो पाचन क्रिया मुख गुहा से शुरू हो गई ना, तो पाचन क्रिया मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। कैसे, क्योंकि लार में उपस्थित होता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, भोजन में उपस्थित स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है माल्टोज में। ठीक, टाइलिन को ही हम क्या कहते हैं, सेलेवरी एमाइलेज। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लार में ही एक और चीज पाया जाता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो क्या करता है, ये भोजन में आए हुए समस्त बैक्टीरिया जीवाणुओं को क्या करता है, मार देता है। आइए, ये हो गया लार के बारे में दो चीजें जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं लार के बारे में। अब हम कर्णपूर्व ग्रंथि के बारे में बात करें, तो कर्णपूर्व ग्रंथि आपने लोकेशन देखा, ज्यादातर लोकेशन, और एक चीज और पूछा जाता है उसकी नली। ध्यान रखेंगे, अगर बाय चांस मान लीजिए कि यहाँ पर टंकी लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर टुल्लू पंप है यानी मोटर है, उससे सप्लाई जाएगी ना इसके अंदर, तब तो ना पानी इसमें भरेगा, ना इसको, बात को समझिएगा। जहाँ पर टुल्लू पंप है वहाँ से एक पाइप जाएगी जो टंकी में पानी को पहुँचाएगा, सप्लाई देगा पानी को। सेम उसी तरीके से यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर लार ग्रंथि यहाँ पर है, लेकिन इसमें जो लार बन रहा है, लार उसको कहाँ पहुँचाना है, मुख गुहा के अंदर। हमारी लार ग्रंथि कहाँ पर है, यहाँ पर है, नीचे है, तो इसको जो लार है हमारी मुख में अंदर लाना है, तो उसके लिए क्या निकलती है, एक नली आती है। ये देखिए, ये नली, ये एक नली है किसका, कर्णपूर्व ग्रंथि का। ये दूसरा नली है किस ग्रंथि का, अधोजंभ ग्रंथि का, जो कहाँ खुल रही है, देखिए यहाँ पर खुल रही है। ये तीसरी ग्रंथि है किसका, अधोजिह्वा ग्रंथि का। इन सभी जो नली है ना, नली, इनका अलग अलग नाम है, ये खूब पूछे जाते हैं। जो कर्णपूर्व ग्रंथि हैं, कान के पीछे जो पाई जाती है कर्णपूर्व ग्रंथि, उनसे जो नली निकलती है, जो मुख गुहा में ऊपर भाग में खुलती है, जिनसे लार हमारे मुंह में आता है, वो कौन सी नली है, स्टेंसन डक्ट। ये खूब पूछा जाता है, यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, स्टेंसन नलिका, स्टेंसन नलिका, ठीक है। पूछा जाता है पैरोटिड ग्लैंड या कर्णपूर्व ग्रंथि से कौन सी नली आती है, लार को निकालती है मुंह में, तो वो है स्टेंसन नलिका। दूसरा, कौन सी नली अधोजंभ से निकलती है, तो अधोजंभ से निकलने वाली नली को कहते हैं वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स नलिका, डक्ट मतलब नली या नलिका। तीसरा, अधोजिह्वा ग्रंथि से कौन सी नली निकलती है, तो डक्टस ऑफ रेविनस, रेविनस की नलिका, रेविनस की नलिका, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लार बन रहा है वो किसके माध्यम से मुंह में आ रहा है, डक्ट ऑफ रेविनस से। यहाँ पे जो लार बन रहा है वो किसके माध्यम से मुंह में आ रहा है, वो आ रहा है इसके माध्यम से, किसके, वार्टन नली का। यहाँ पे जो लार बन रहा है वो किसके माध्यम से मुंह में आ रहा है, स्टेंसन डक्ट के द्वारा। बस ये था आपका लार ग्रंथियों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें याद करनी है, रट डालनी है। लार ग्रंथियाँ कितनी पाई जाती हैं, तीन, कौन कौन सी। पहले तो आप ये बताइए कि पाचन तंत्र किससे मिलकर बना होता है, पाचन तंत्र दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल पढ़ लिया आपने, पाचक ग्रंथियाँ पढ़ रहे हैं। पाचक ग्रंथियों में कितने ग्रंथियाँ होती हैं, तीन, लार ग्रंथि, यकृत और अग्न्याशय, तीन हो गया। अब आपको पहला पढ़ना है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि कितनी होती है, तीन, कौन कौन सी, कर्णपूर्व, अधोजंभ और अधोजिह्वा। कर्णपूर्व में से कौन सी नली निकल कर आती है, स्टेंसन डक्ट। अधोजंभ से कौन सी नली निकल के आती है, वार्टन डक्ट। और सबलिंगुअल यानी अधोजंभ, अधोजिह्वा से कौन सी नली निकल के आती है, डक्ट्स ऑफ रेविनस। ये सब बातें एकदम याद होनी चाहिए। लार में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो लार में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं, पोटेशियम, ये सब आयन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे पाए जाते हैं लार में। दूसरा, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो जो भोजन के स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। तीसरा, लार में लाइसोजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया को मारता है। कंप्लीट हो गया आपका ये पाचक ग्रंथियों में लार ग्रंथि पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यकृत, तो आप इसके बारे में आप कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। हड्डी नालेंगे पाचक ग्रंथियां और उसमें लिखेंगे आहार नाल में पाचक ग्रंथियां, आहार नाल के पाचक ग्रंथियों में, ऐसे लिखेंगे आहार नाल के पाचक ग्रंथियों में लार ग्रंथि,
यकृत तथा अग्न्याशय शामिल होते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लार ग्रंथि। इसमें लिखेंगे लार ग्रंथि तीन जोड़ी पाई जाती हैं जो निम्न है। पहला लिख डालिए कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि, अधोजंब और अधोजिह्वा ग्रंथि। सबके इंग्लिश भी लिखेंगे। अब वहाँ पर हेडिंग डालेंगे सबसे पहला कर्णपूर्व ग्रंथि और लिखेंगे यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है जो कर्ण पल्लव पेशियों के पीछे पाई जाती हैं। इनसे जो नली निकलती है जो लार को मुख गुहा में लाती है उसे स्टेंसन्स डक्ट, स्टेंसन नलिका कहा जाता है। लार में टाइलिन होता है जो भोजन में आए हुए स्टार्च को परिवर्तित कर देता है माल्टोज में, तथा लार में ही लाइसोजाइम होता है जो भोजन में आए हुए जीवाणु को मार देता है। लार में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं। अब एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कर्णपूर्व के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पर कर्णपूर्व में एक वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। उस वायरस का नाम है मम्स वायरस। मम्स वायरस कभी कभी मम्स वायरस की वजह से कर्णपूर्व ग्रंथि में, पैरोटिड ग्लैंड में संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये ग्रंथि फूल जाती है और हमें बहुत दर्द होता है कान के यहाँ पे, गाल के नीचे लगता है कि बहुत दर्द हो रहा है। तो असल में गाल के नीचे ना दर्द होकर ये कहाँ दर्द होता है, यहाँ पर। तो चूंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है इसलिए लगता है कि गाल दर्द हो रहा है। इसे हिंदी में गलसुआ कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मम्स, जो कि कौन से वायरस की वजह से होता है, मम्स वायरस की वजह से। तो आप लिखेंगे कर्णपूर्व ग्रंथि में, कर्णपूर्व ग्रंथि में मम्स वायरस की वजह से यह ग्रंथि सूज जाती है। मम्स वायरस के संक्रमण से यह ग्रंथि सूज जाती है। इस रोग को गलसुआ यानी मम्स रोग कहते हैं। बस ये हो गया कर्णपूर्व ग्रंथि की संपूर्ण जानकारी। अब आता है दूसरा हेडिंग डालेंगे अधोजंब ग्रंथि। इसमें एक लाइन लिखेंगे कि ये ग्रंथि निचले जबड़े के पीछे भाग में पाई जाती हैं तथा वार्टन्स नलिका, वार्टन नलिका द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। तीसरा हेडिंग डालेंगे अधोजिह्वा या सबलिंगुअल ग्लैंड और इसके बारे में लिखेंगे या जीभ के नीचे स्थित होती हैं, जीभ के नीचे स्थित होती हैं तथा ये सबसे छोटी लार ग्रंथि होती हैं। सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है, अधोजिह्वा। साइज में आप देख भी रहे हैं इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, ये सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती हैं, अधोजिह्वा यानी सबलिंगुअल ग्लैंड। और आगे इसमें लिखेंगे कि यह रिविनस की नलिका द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। इनसे श्लेष्म का स्राव होता है, म्यूकस का स्राव होता है। बस आपने इस टॉपिक में जाना लार ग्रंथियों के बारे में। अगला जो पार्ट होगा उसमें हम आपको यकृत यानी लीवर के बारे में बताएंगे। तब तक कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप दे दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, पाचन तंत्र किससे मिलकर बना होता है। दूसरा क्वेश्चन, पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। तीसरा क्वेश्चन, लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं उनके नाम बताइए। चौथा क्वेश्चन, लार में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तीन मुख्य चीज़ों के नाम लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णपूर्व ग्रंथि मुख गुहा में किस नलिका द्वारा खुलती है। नेक्स्ट, अधोजंब ग्रंथि मुख गुहा में किस नलिका द्वारा खुलती है। आखिरी क्वेश्चन, अधोजिह्वा कौन सी नली द्वारा मुख गुहा में लार को पहुंचाती है। बस इतने क्वेश्चंस आपको देने हैं। कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द इसको क्वेश्चंस को आप दीजिए इसके आंसर्स। और आगे के टॉपिक के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।